आज हम आपको बताएंगे टेंस के सेंटेंस का एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस कैसे बदलेंगे। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने किस टेंस का आपको बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज हमारा है जो बताएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में खुद टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉयस का सेंटेंस रहेगा तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, लेकिन किसके साथ इज लगाते हैं? ही, सी, इट, राम, श्याम, सोहन, टेबल, चेयर, एक के साथ, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ यू, बी, दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। अब चलिए हम देखते हैं, हमारा है पैसिव वॉयस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉयस में बदलते समय हमारा एक ही फार्मूला है, पहले ऑब्जेक्ट को। पैसिव वॉयस के सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमारा यदि प्रेजेंट टेंस होता तो वहाँ पर इज एम आर लगाते हैं पैसिव वॉयस में, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ बींग। ये हमें को ध्यान रखना कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज एम आर के साथ बींग। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा, जो एक्शन क्रिया रहेगी, उसका थर्ड फॉर्म, बाकी अदर वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट। बाई लगाकर सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा नाउन रहेगा तो वैसे का वैसे ही राइट होगा सब्जेक्ट में के साथ, लेकिन यदि हमारा प्रोनाउन होगा तो उसका सब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल सा रूल है, पढ़ने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा है? नॉवेल पर। तो नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसी भी कार्य का या फिर अवस्था का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर अ नॉवेल है, अ नॉवेल को पहले ला देंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग से यूज करना है, एक उपन्यास की बात हो रही है, इसके साथ बींग लगा देंगे, इज बींग। उसके बाद जो रीडिंग होता है ये फोर्थ फॉर्म है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, तो स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन हम इसको रेड पढ़ेंगे। उसके बाद बाई, आई यहाँ सब्जेक्ट में है, वहाँ ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये आई सब्जेक्ट में रहता है और मी ऑब्जेक्ट में रहता है। जैसे हम अपने घर पे रहेंगे हमारा मतलब बोली भाषा रहन सहन सब अलग होगा, लेकिन जब हम स्कूल या कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी बोली भाषा लैंग्वेज सभ्यता सब बदल जाती है। तो वैसे यहाँ पर है, आई सब्जेक्ट में रहता है तो खुद आई ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी के फॉर्म में जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। द पियोन इज रिंगिंग अ बेल, चपरासी एक घंटी को बजा रहा है, तो रिंगिंग बजाने का प्रभाव किस पर है? अ बेल पर। तो अ बेल आ गया पहले क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगा था, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इज था, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया संयोग से, इज ही यूज करेंगे। यहाँ पर इज इसके अनुसार आया है, यहाँ पर इज इसके अनुसार आया है। उसके बाद रिंगिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। उसके बाद सब्जेक्ट को राइट कर देंगे, यहाँ पर हमारा ये है नाउन, नाउन को वैसे का वैसे राइट कर देते हैं, चेंज होता है केवल प्रोनाउन। अब उसके बाद यहाँ दो अफर्मेटिव फॉर्मेट थे, हम चारों फॉर्मेट देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा पहला फॉर्मेट हुआ, अब हमारा दूसरा फॉर्मेट है नेगेटिव सेंटेंस। द पियन इज नॉट रिंगिंग अ बेल, नेगेटिव आ गया, रूल सब वैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, अ बेल। अब इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन नेगेटिव है तो तुरंत नॉट का यूज कर देंगे। रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। उसके बाद यहाँ पर हमें बींग भी राइट करना है, ठीक, बींग भी राइट करना। अ बेल इज नॉट, यहाँ नॉट, उसके बाद बींग यूज करना है, बींग। उसके बाद रिंगिंग का थर्ड फॉर्म रैंक, उसके बाद बाई, उसके बाद द पियोन को राइट कर देंगे।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो इज और बीन के बीच में यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज द पियन रिंगिंग अ बेल, वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब टेंस के सेंटेंस में शुरू है वैसे पैसिव वॉइस में भी शुरू राइट करेंगे अ बेल, लेकिन यहाँ पर द पियन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यहाँ अ बेल ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर इज यूज कर देंगे, लेकिन हमें बीइंग भी यूज करना है, दोनों को यूज करना है, इज अ बेल बीइंग। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। उसके बाद रिंगिंग का थर्ड फॉर्म रंग, उसके बाद बाई लगा देंगे, उसके बाद द पियन हमारा जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है लास्ट में। उसके बाद आर दी ईटिंग स्वीट मैंगोज, क्या वे मीठे आमों को खा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे स्वीट मैंगोज, यहाँ पर अकेले का कोई महत्व अस्तित्व नहीं है, दोनों साथ में स्वीट मैंगोज। यहाँ पर इसके दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था, यहाँ इसके अनुसार यूज होगा, यहाँ सब्जेक्ट को अनुसार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। स्वीट मैंगोज हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, आर का। उसके बाद बीइंग भी हमें यूज करना है, बीइंग। ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन, और दे तो सब्जेक्ट में आता है तब सब्जेक्ट टू में राइट होता है, ऑब्जेक्ट में दे आएगा तो ये देम बन जाएगा, लेकिन हमें बाई लगा कर राइट करना है, बाई देम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे सब्जेक्ट में दे होता है लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो देम बन जाएगा। व्हाई आर यू कॉलिंग हिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हमें समझना है। जैसे टेंस के सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड शुरू में होता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वैसे पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चनिंग वर्ड को शुरू में राइट कर देंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम ऑब्जेक्ट में है, इसका जो सब्जेक्टिव रूप होता है ही सब्जेक्ट में रहता है तो ही रहता है, ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम बन जाता है, लेकिन हिम है सब्जेक्ट में आया ही बन गया, इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। ये थर्ड पर्सन है, एक वचन की बात करता है इसलिए ईच। उसके साथ हमें बीइंग भी यूज करना है, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड, और उसके बाद बाई यू, यू चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो यू ही रहता है, सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और लास्ट में क्वेश्चनिंग वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू सब्जेक्ट में रहता है तो भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट में रहता है तो भी यू रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम